सोमवार सुबह 6 बजे के करीब कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में मोहम्मद साकिर नाम के युवक की मौत हो गई। उसे हार्ट अटैक हुआ था। सुबह 6 बजे के करीब उसकी मौत के बाद अस्पताल में उसके साथ ठहरे भाई साजिद आक्रामक हो गया। उसने इलाज में देरी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्यरत डॉक्टरों और नर्सों को गालियां देनी शुरू कर दी। अस्पताल में लगाए गए शीशे को हाथ से मारकर तोड़ दिया, जिससे उसकी भी हथेली पर चोट लगी और खून गिरने लगा था। जब चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो वो हमला कर दिया। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कार्यरत चिकित्सक सौगत दास गुप्ता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। आरोपित और उसका मृत भाई 18/3A मोमिनपुर के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि जून महीने की 10 तारीख को इसी तरह से कोलकाता के NRS अस्पताल में 75 वर्षीय मोहम्मद शाहिद के निधन के बाद बड़ी संख्या में मृतक के परिजनों ने इकट्ठे होकर अस्पताल में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों को जमकर पीटा था। इसमें डॉक्टर परिवाह मुखर्जी नाम के एक जूनियर डॉक्टर की खोपड़ी टूट गई थी। उसके बाद राज्य भर के चिकित्सकों ने काम बंद कर दिया था। सप्ताहव्यापी काम बंद होने के बाद आखिरकार सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों के साथ बात की, जिसके बाद हालात सामान्य हो सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों की सुरक्षा का विशेष निर्देश दिया था।